टू माई चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम जानेंगे कुछ बहुत ही यूनिक पीसेस जो मुझे लगे बहुत अच्छे लगे ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी में मैंने जो खरीदा है मीशो से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन मेरे टेस्ट के हिसाब से जो मुझे थोड़े बहुत पीसेस अच्छे लगे हैं, क्योंकि देखिए हमेशा हम ट्रेडिशनल तो पहन नहीं सकते गोल्ड के, तो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बहुत स्टाइलिश लगता है। तो फिर मैंने सोचा आपसे आपके साथ शेयर करूं जो मैंने मीशो से लाया है। मीशो से ना फ्रेंड्स बहुत अच्छी एक बात है कि आपको इजी रिटर्न्स भी है, सीओडी फैसिलिटी है, और आपको बहुत ही एक से बढ़ के एक बढ़िया डिजाइन्स मिल जाएंगे। एंड चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले ज्वेलरी पीस से जो मैंने मंगवाया है। सो ये देखिए, ये सामने से आप देख पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक गणेश जी के शायद फेसेस बने हुए हैं। नीचे देखिए व्हाइट पर्ल्स के साथ इन लोगों ने किया, और आपको ना ये यूजुअली थ्रेड से मिलता है ना फ्रेंड्स, थ्रेड मिलता है एडजस्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने चेन दिया है विद लॉबस्टर क्लांप, विच इज वेरी कन्वीनियंट कि आप जैसे आपका ये है उसके साथ सेट करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। मैं अभी तो इस टाइम मैं पेन के नहीं दिखा पाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लगा नहीं पाऊंगी पीछे, इसलिए मैंने सोचा मैं पिक डाल दूंगी, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये कैसे लगता है। तो देखिए इसके साथ, इस ज्वेलरी पीस के साथ आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ ना फ्रेंड्स, तो बहुत सारे तो चोकर जैसे ही है, ठीक है। तो उसके साथ मुझे मिला है ये वाला इयररिंग, देखिए कितना प्यारा सा बड़ा है, काफी बड़े साइज का है, जो मैं पिक में आप देख लीजिए, तो बहुत ही यूनिक अच्छा सा पीस लगा है फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाला है। एंड नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे ज्वेलरी पीस के बारे में जो बहुत ही एलिगेंट है, बहुत स्टाइलिश है। देखिए ये मुझे ऐसे वाले इसमें रिसीव हुआ है, थ्रेड के साथ है ये, पीछे ना थ्रेड आप रखने के लिए। तो ये ऐसा है फ्रेंड्स कि किसी भी प्लेन सैरीज के साथ बहुत ही सुंदर लगने वाला है। देखिए ये 1 2 3 4 5 स्ट्रैंड का चेन है, कुछ नहीं इसमें कोई खास डिजाइनिंग वगैरह नहीं है, जस्ट सिंपल सिल्वर बीड्स है, बीच में एक ब्लैक मोती दिया हुआ है। तो देखिए इसको ना आप एडजस्ट कर सकते हो, और ये ऐसे धागा दिया हुआ है इन लोगों ने, देखिए ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया फ्रेंड्स मेरा सेकेंड वाला, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ये सारे ज्वेलरी पीसेस ना फ्रेंड्स, ज्यादा कॉस्टली नहीं है, बिलो 300 बिलो 500 के बीच में ही है। अभी मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मैं कितने का इसको लाया है, या फिर मुझे याद नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी फ्रेंड्स, आप चेकआउट कर लेना। तो देखिए अभी जो मैंने प्रीवियस वाला दिखाया उसके साथ तो ना फ्रेंड्स कोई ये नहीं था, व्हाट यू से इयररिंग्स नहीं थे, सिर्फ एक नेक पीस ही था। देखिए ये वाला अभी जो मैं दिखाने जा रही हूँ, देखिए ये इतने बड़े बड़े ऐसे पीसेस है ना फ्रेंड्स कि इनको ना मैं पेन के दिखा नहीं सकती। ये देखिए इतना है, ज्यादा लंबा नहीं है, ये भी ऑलमोस्ट ऐसे नेक के जगह ऐसे आता है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए इनका जो डिटेलिंग है, पहले दो लेयर्स तो उसको एक फ्लैट बीट्स के जैसे दिया हुआ है, कि नीचे पूरा मिरर के साथ दिए हुए विथ हैंगिंग्स, छोटे छोटे घुंघरू जैसे लटक रहे, जो विच मेक्स इट वेरी ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट लुकिंग। और अगर आप प्लेन सैरीज के साथ और कोई सीक्वेंस ब्लाउज के साथ आप इसको टीम अप करेंगे ना फ्रेंड्स, इट्स गोइंग टू लुक फैबुलस। ओके, ये इसके साथ के इयररिंग्स ना फ्रेंड्स, मुझे ये नहीं समझ में आया, यूजुअली होता है कि अगर चोकर टाइप ऐसे हैं तो मतलब ये कुछ ज्यादा ही हैवी है, तो लंबे इयररिंग्स नहीं देना चाहिए, स्टड्स होते तो अच्छे थे शायद, लेकिन इसके साथ ना फ्रेंड्स ऐसे वाले लंबे इयररिंग्स दिए हैं इन्होंने, जो देखिए ऐसे लाइक जो आपने वो देखा था ऐसे ही है, आप देख सकते हो कितने लंबे हैं, अच्छे खासे लंबे हैं। आप इनको ना फ्रेंड्स उसके साथ ना होके अकेले भी आप इसको पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगेगा इंडिविजुअली। एंड दूसरे अभी जो मैं दिखाने जा रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो है सारे जैसे आप रेगुलर जैसे छोटे छोटे पार्टीज हो गए, प्लेन सैरीज के साथ या जो जरी सैरीज के साथ भी आप टीम अप कर सकते हैं।
ये तो काफी दिनों से ये मार्केट में था। मैंने भी काफी दिन ही हो गया फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो आपसे शेयर कर दूंगी। तो ऐसे ये चोकर है ब्लैक ब्लैक बीड्स के साथ, और इसका देखिए एक छोटा सा ड्रॉप दिया हुआ है लॉकेट में, और बीच में क्रिस्टल दिया हुआ है, और ये क्रिस्टल्स भी बहुत ही ब्लिंगी है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लगते हैं पहन के ना, बहुत सिंपल सोबर एंड एलिगेंट ना, बहुत अच्छे। और इनके साथ इन्होंने दिया है इयररिंग्स भी बहुत ही क्यूट से ना, छोटे छोटे जो बहुत ही सिंपल, जिनको सिंपल ज्यादा हेवी ज्वेलरी नहीं पहनना चाहते ऐसे लोगों के लिए, देखिए सिंपल से ये है। मैं साइड में पिक देते रहूंगी, आप चेक कर लेना, क्योंकि इसके से ये तो ना फ्रेंड्स जैसे कुछ जरी का कुछ ऐसा थोड़ा सा बॉर्डर में हो तो वैसे उन लोगों के साथ अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें गोल्डन कलर है, सिल्वर कलर तो बहुत स्टाइलिश लगता है फ्रेंड्स। ये ना छोटी छोटी पार्टीज में भी अगर आप कोई छोटा सा बॉर्डर का, जरी बॉर्डर का भी डालेंगे तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। देखिए ये ग्रीन ग्रीन बीड्स भी ना फ्रेंड्स एकदम शाइनी टाइप है, बहुत सुंदर छोटे छोटे फ्लावर्स दिए हुए बीच में ना, एक डॉट डॉट जैसे आपको दिख पा रहा होगा ना, बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स। ये भी गले में ना एकदम चोकर जैसा लगता है, बहुत ही प्यारा है। और इसके साथ आपको थ्रेड मिला है तो आप अपने साइज के अनुसार एडजस्ट कर सकते, और उससे के साथ मिलते बहुत ही क्यूट से छोटे से इयररिंग्स जो बहुत दिखने में प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बहुत ही हेवी काइंड ऑफ सेट, बहुत ही हेवी टाइप है ये तो बिल्कुल आपके ना व्हाट यू से सिल्क सारीज पे, जैसे आप ग्रैंड फंक्शंस में भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो फ्रेंड्स। इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर देखिए हम गोल्ड में बनाने जाएंगे तो कितना कॉस्टली पड़ेगा। सो मुझे लगता है ना फ्रेंड्स ये आप लोग किसी भी सिल्क सारीज हेवी सारीज के साथ इसको ये कर सकते हैं। ये भी अगेन चोकर स्टाइल है जो एकदम गले में लग के रहता है, मैं पिक्स दे दूंगी आप देख लीजिए। इसका डिटेलिंग भी बहुत ही मुझे क्यूट लगा है फ्रेंड्स, छोटे छोटे पर्ल्स दिए हुए और रेड एंड पिंक जो एमराल्ड और रूबी काइंड ऑफ ना कलर के स्टोन्स के साथ दिए हुए, और ऊपर की तरफ भी एक छोटा सा लाइन आता है पर्ल्स का जो विच विल एग्जैक्टली फिट टू योर नेक एंड इट गिव्स अ वेरी एलिगेंट लुक फ्रेंड्स। एंड इनके तो मुझे इयररिंग्स बहुत ही अच्छे लगे, देखिए काफी बड़े बड़े झुमके दिए हुए हैं इन्होंने, लेकिन ये कितने प्यारे लगते हैं ना फ्रेंड्स। ज्यादा लंबे हैंगिंग्स नहीं है बट एक बहुत ही अच्छा साइज है जो बहुत ग्रैंड लुक देता है आपको। सो मेरा नेक्स्ट नेक पीस जो मैं दिखाने जा रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल एलिगेंट सा बहुत ही अच्छा है, जो प्लेन सारीज पे या हाई नेक सारीज हाई नेक ब्लाउजेस आपने पहन लिया हो तो आप अच्छे से देखिए ऐसे नेक पे बैठता है ये, एंड इट्स सो सिंपल एंड एलिगेंट। देखिए एकदम गले को ना लग के लगता है तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसके साथ इयररिंग्स देखिए बहुत ही सिंपल से बड़े से, जिनको हैंगिंग्स पसंद नहीं है, छोटे छोटे स्टड पसंद है, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े, इट्स अ क्वाइट गुड साइज ओके। तो अच्छा सा लग रहा है कि आप ये दोनों रख लेंगे ना फ्रेंड्स तो और किसी ज्वेलरी का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छा पीस। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत मेरा कलेक्शन आपको अच्छा लगा हो। अगर आप लेना चाहते हो तो जरूर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, प्लीज चेकआउट। एंड मीशो इज अ रियल रिलायबल ऐप, शॉपिंग ऐप, सो आप आराम से शॉप कीजिए। सो अगले वीडियो में मिलने तक दिस इज ममता सेइंग बाय बाय।